हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। आज दोस्तों पहला एग्ज़ाम था, आज मेरा पहला शिफ्ट था। देखो आज तो मेरा पंचायत सचिव का एग्ज़ाम था और पहले शिफ्ट में स्टेनोग्राफरी का एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ध्यान देने वाली है वो आपके सामने शेयर करता हूँ। देखो पहला तो आप एग्ज़ाम सेंटर में, मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो रेडियम रोड में था, साई इन्फोटेक समथिंग नाम था साई, ठीक है, जो महाराजा होटल के फ्रंट में। तो मेरे एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या आपको दिक्कतें हैं बता देता हूँ। आप अगर बैग ले जाते हो, पर्स ले जाते हो, तो वो रखने के लिए 20 रुपये आपको चार्ज देना होगा। बैग पर्स वो आपको बाहर में रखना होगा, बैग पर्स मोबाइल नंबर मोबाइल फ़ोन आपको बाहर रखना होगा, और इसके लिए वो 20-20 रुपये चार्ज ले रहे हैं। प्रोसेस क्या है, वो एक पर्ची में आप अपना नाम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे और बैग के अंदर डाल के बैग आप बाहर में ही रखना होगा बैग, और बैग रखने की जिम्मेवारी फिर उनकी है। बैग अगर चोरी होता है तो आप जिम्मेवार वो देंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ ध्यान है, जिनको अगर बैग प्रॉब्लम है बैग नहीं ले जाना, 20 रुपया फालतू का खर्च होगा, ठीक है, ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम कैसे हुआ, बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं था अंदर में। एग्ज़ाम कैसे हुआ बताता हूँ, स्टेनोग्राफरी का मैं पहले शेयर करता हूँ, क्योंकि पहला शिफ्ट तो स्टेनोग्राफरी का था मेरा एग्ज़ाम। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आप अंदर जाओगे, अपने सीट में बैठोगे, लॉगिन करने जब बोलेंगे वो, तो अपना एडमिट कार्ड में जो लॉगिन आईडी दिया हुआ, सिर्फ एडमिट कार्ड में जो दिया हुआ लॉगिन आईडी वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप लॉगिन हो जाओगे सिस्टम में। लॉगिन होने के बाद क्या है, स्टेनोग्राफरी का नियम क्या है हिंदी वाला, वो एक ऑडियो प्ले करेंगे। ऑडियो प्ले जैसे ही होगा आपको लिखना स्टार्ट करना, एक नोटपैड प्रदान करेंगे, वो दो पेन ले जाना, जरूर दो पेन ब्लैक का ले जाना, ठीक है। तो वो पेन तो आप ले जाना, लेकिन वो एक नोटपैड प्रदान करेंगे आपको। नोटपैड में आपको लिखना है, जैसे जैसे वो ऑडियो प्ले होगा वो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। लिखने के बाद 3 मिनट तक प्ले होगा, वो 3 मिनट के बाद आपको फिर टाइम मिलेगा कंप्यूटर में टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर टाइप करना। टाइपिंग के लिए मैं बता दूं आपको कि कीबोर्ड जो वहाँ पे ज़्यादातर मैंने कीबोर्ड देखा है, इंटेक्स का कीबोर्ड है, वो 110-120 रुपये वाला जो कीबोर्ड आता है ना इंटेक्स कंपनी का, तो इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड लगा हुआ था, ठीक ही ठाक था कीबोर्ड। प्रैक्टिस मैंने टाइप करने के लिए टाइप किया था तो ठीक ठाक चल रहा था, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आप जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम है वो इंटेक्स का कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर उनको और अच्छा से करना है प्रैक्टिस। तो क्या होगा, उसके बाद आपका टाइप करना स्टार्ट करोगे, आपने जो नोटपैड में लिखा, टाइप करने के बाद 8 मिनट तक टाइप करना, 8 मिनट बाद वो अपने आप एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। उसके बाद वो प्रिंट आउट, आपने जो टाइप किया उसको प्रिंट आउट करके देंगे आपको, आपको साइन करना उसमें कि जो जो आपने टाइप किया वो प्रिंट आउट निकाल देंगे वो, आप चेक कर लो। मैंने चेक किया अपना, गिनती भी आप चाहो तो कर लो, क्योंकि टाइम बहुत सारा था तो क्या करना था, तो मैंने गिनती किया। मैंने क्या किया, स्टेनोग्राफरी तो मुझे आती नहीं थी, तो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, कीबोर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए मैं अपना एक कोई पैराग्राफ मैंने लिख दिया वहाँ पे, और सेम पैराग्राफ, मतलब वो उसने किसान से जुड़ा हुआ पैराग्राफ दिया था, तो किसान से जुड़ा हुआ, जैसे किसान के बारे में था, किसानों की स्थिति खराब है, भूमि अधिग्रहण सुधार करना चाहिए वगैरह वगैरह था ये, तो मैंने उसी से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड मैंने ऑल्ट कोड यूज करके कीबोर्ड में चेक किया, सब कुछ काम कर रहा था, और मैंने चेक किया कि मेरी स्पीड कितनी है, हैंड भी बैठा रहा था उसके कीबोर्ड में, इंटेक्स वाले कीबोर्ड में। तो मेरा ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बैठा था ना, स्टेनोग्राफरी तो कॉम्प्लीमेंट्री बैठना था, लेकिन बैठने के साथ जब कुछ फ्रूटफुल करना चाहिए था ना, तो मैंने वही प्रैक्टिस किया अपने मर्जी से, पर्सन गद्दी ये सब डिफिकल्ट वर्ड है ना ऑल्ट कोड वाला, मैंने प्रैक्टिस करके चेक कर रहा था मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं, तो ठीक ठाक था मेरा स्पीड, करीब करीब 18-19 का स्पीड आ गया था फर्स्ट टाइम दूसरे कीबोर्ड में टाइप किया, जबकि 20 दिनों से प्रैक्टिस नहीं किया हूं, फिर भी देखा मैंने 8 मिनट में मैंने 105-107 वर्ड मैंने टाइप कर लिया था, तो ऑलमोस्ट 1516 का मेरा स्पीड था। अब क्या था, दूसरा शिफ्ट में स्टेनोग्राफर इंग्लिश का था, तो उन्होंने बताया कि जिनको स्टेनोग्राफरी इंग्लिश का देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो, ऑप्शनल है, तो मैं स्किप कर दिया। अब मुझे 1 बजे रिपोर्ट करना है तीसरे एग्ज़ाम के लिए, तीसरा एग्ज़ाम है जो भी होगा शायद पंचायत लिपिक वाला है शायद, तीसरा वाला देख लूँगा एडमिट कार्ड में क्या है, उसके बाद चौथा में पंचायत सचिव है, जो भी है दोनों, तो वो दोनों एग्ज़ाम मुझे जाके देना है, 1 बजे रिपोर्ट करूँगा, फिर 1 बजे से जितना देर तक चलेगा 4-4:30 बजे तक, ये चीज़ रही। उसके बाद एक और पता चला मुझे इस एग्ज़ाम देने के बाद कि बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे कि
जो मेरा फाइल होगा कहाँ सेव होगा, कहाँ सेव होगा वो फाइल, जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में बनाऊंगा तो सेव कहाँ होगा। तो जब जिस स्क्रीन पे आप बैठोगे, जिस कंप्यूटर सेट पे बैठोगे, वहाँ पे टॉप में वहीं पे आपका लिखा रहेगा जो पाथ है जहाँ पे सेव होगा। तो शायद मैं पाथ आपको, शायद मुझे अगर याद है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। आपके डी डी में जो स्क्रीन है, डी ड्राइव में, ओहो कृति देव लिखा रहा, देखो डी ड्राइव में होगा, उसके अंदर जाओगे तो शायद पीएस कुछ ऐसा फाइल होगा, सीपीटी फाइल होगा, सीपीटी फोल्डर होगा, सीपीटी फोल्डर के अंदर जाओगे तो डेट होगा शायद, और डेट के बाद फिर जाओगे तो फाइल्स होंगी, इस तरह कुछ था, पाथ था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट ऐसा ही कुछ था, वहाँ लिखा हुआ रहेगा, चिपकाया हुआ रहेगा कि डी ड्राइव में जाओ, डी ड्राइव में सीपीटी फोल्डर रहेगा, सीपीटी फोल्डर के बाद जाओगे तो आज का डेट रहेगा, आज का डेट के बाद नहीं, सीपीटी के बाद, हाँ कुछ ऐसे एक कुछ और मिस हो रहा है यहाँ पे, जो भी हो एनीवे वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट वो मेरा कहने का मतलब वो फाइल का लोकेशन आपको दिया हुआ रहेगा। सो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है वैसा कि फाइल कहाँ सेव हो रहा, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ स्टेनोग्राफरी का एग्ज़ाम दिया है, अभी मैं जब एक बजे जाऊँगा तो बाकी दो एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मैं शाम को एक बार फिर से आपको बताऊँगा कि कैसा था एग्जाम, क्या था। और अभी के शिफ्ट में तो जो रेडियम रोड वाले में मैंने दिया तो वैसे कुछ खास वैसे दिक्कत तो थी नहीं वहां पे, हाँ इंपॉर्टेंट बातें थी कि आप आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जो मत ले जाने की कोशिश करना, आधार कार्ड की जगह अगर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ या वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, अगर आधार कार्ड ले जाते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती रहती है, क्योंकि बोलते हैं ये वाला लंबा वाला दो, छोटा वाला प्रिंट नहीं दो, इस तरह बहुत प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कोशिश करो दो आईडी प्रूफ ले जाना तो बेहतर होगा, फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो नहीं ले जाना है, दो पेन ले जाना है, और आपको पुराना एडमिट कार्ड भी नहीं ले जाना है, यहाँ पे मेरे सेंटर में तो नहीं मांग रहा था, सिर्फ नया एडमिट कार्ड मांग रहा था, और बाकी पर्स वर्स का लफड़ा है रखने का, मोबाइल रखने का लफड़ा है, 20 रुपया चार्ज किया गया मेरे से वहाँ पे रेडियम रोड वाले सेंटर में। तो और भी वैसे कुछ बातें तो नहीं थी बताने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है, कीबोर्ड ठीक ठाक है, अच्छा खासा टाइपिंग हुआ उसमें, तो होपफुली देखते हैं एक बजे वाले में क्या होता है। तो बाकी सब क्वेरी, अब फ़ोन स्विच ऑफ होगा, अभी तो मैं आ गया हूँ, जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम देने के बाद 2 घंटे का गैप है ना, 12 बजे निकलूँगा तो 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 12:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो अभी मेरे पास टाइम है 1-1.5 घंटा, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास मेरे को पता होगा तो मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो बस ये वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन तो फिर शाम को बताऊँगा पूरा ओवरऑल कि कैसा रहा एग्ज़ाम, टाइपिंग वगैरह क्या था, ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ मिस हो रहा है, देखो एक चीज़ वो, और वो इम्पॉर्टेंट है, ये जो का है ना, देखो ये चीज़ मैंने वो नोटिस किया वहाँ पे, का जो लिखते हैं हम लोग, का के बाद ये जो यहाँ ये वाला जो देते हैं ना, अरे यार क्या हो रहा, का के बाद ये वाला जो देते हो ना इस तरह नीचे क्री क्री कृपा वाला, कृपा जो लिखना है, तो ये देखो ये यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा ना, वहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा, तो ये जो का के नीचे रहा है ना उसको कोड से लिखना, कोड इसके नीचे, इसका कोड है शायद Alt 209 है, लेकिन मेरे पास कीबोर्ड एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा हुआ नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ, देखो बता देता हूँ कोड आपको, का के नीचे में क्री 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 कहाँ गया, देखो क्री इसका 209 है कोड है ना, ये वाला ये आप कीबोर्ड से मत लिखना, ये का के नीचे रहा है, ये 209 कोड से इस्तेमाल करना, ठीक है, अदरवाइज वो गलत ले रहा वहाँ पे। तो ये था इम्पोर्टेंट, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, होपफुली आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा,
ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ, सिस्टम वगैरह अच्छा है, कीबोर्ड में टाइपिंग वगैरह ठीक ठाक टाइपिंग हो रहा था सिस्टम में। मुझे तो लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम टाइप नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, लग रहा था कि बहुत दिन से टाइप कर रहा हूँ। अच्छा कीबोर्ड में हाथ वहाँ पे बैठा हुआ। जब स्टेनोग्राफरी का आप एग्ज़ाम दोगे ना, ये ध्यान रखना, जब स्टेनोग्राफरी का एग्ज़ाम दोगे आप, अगर आपने भरा है तो स्किप मत करना, उससे क्या होगा ना आपका हाथ में प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसा कीबोर्ड है, आप उसमें प्रैक्टिस मार लोगे। तो उस पल का आप उपयोग करना और अंदर के सिस्टम से भी आप रूबरू हो जाओगे, तो इन सब अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, ठीक है। तो बाकी सब इन सब बातों के साथ समाप्त करता हूँ वीडियो। थैंक यू।